प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर देने की पेशकश की है। इसमें से 40 करोड़ डॉलर आधारभूत परियोजनाओं और 5 करोड़ डॉलर आतंकी हमले से सुरक्षा के उपायों के लिए दिए जाएंगे। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा भारत यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद राजपक्षा ने श्रीलंका के कब्जे में मौजूद भारतीय मछुआरों की नाव छोड़ने की घोषणा की है। वहीं साथ ही साथ दोनों देशों ने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मामलों पर भी मिलकर काम करने की सहमति जताई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों में विकास और शांति आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने राजपक्षा को भरोसा दिलाया कि भारत श्रीलंका के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन के शीर्ष राजनयिक यहाँ एक बैठक में इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सहयोग करना चाहिए और एशियाई सदी को साकार करने के लिए बहुआयामी संबंधों को आवश्यक कायम रखना चाहिए। यहाँ शनिवार को संपन्न हुए चौथे भारत चीन फोरम टैंक में दोनों देशों के राजनयिकों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखने के लिए कई मुद्दे पर चर्चा की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीजिंग द्वारा दिए गए भारतीय चीन प्लस फार्मूले को खारिज करने के बाद पारंपरिक लाभ पर आधारित भारत नेपाल व चीन के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, नेपाल एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, इसीलिए त्रिपक्षीय साझेदारी में नेपाल के पास समान दर्जा और अधिकार होना चाहिए। भारत और जापान ने अपने अपने विदेश और रक्षा मंत्री के पहले 2+2 फॉर्मेट डायलॉग में पाकिस्तान में संचालित आतंकवादी ठिकानों से क्षेत्रीय शांति के सामने कायम खतरे पर चिंता प्रकट की। दोनों देशों ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा कि वो अपने यहाँ टेरर नेटवर्क पर कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई करे। दोनों देशों ने पाकिस्तान सरकार से विशेष तौर पर आतंकवाद से निपटने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किए गए वादों पर पूरी तरह खरा उतरने को कहा, जिसमें वैश्विक आतंकरोधी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सुझाव कदम भी शामिल है। देश में 1986 में पहला मामला सामने आने के बाद HIV/AIDS कई दशकों से एक बड़े खौफ का सबब रहा। इसके खिलाफ शुरू की गई योजनाबद्ध जंग से अब इसकी पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। सरकार 2024 तक देश से इसका पूरी तरह सफाया करने का इरादा रखती है। सरकार ने HIV/AIDS के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको तो बनाया ही है, इसके साथ ही साथ इस काम में जानी मानी हस्तियाँ, हेल्थ वर्कर्स और आम जनता का भी सहयोग लिया जा रहा है। HIV/AIDS रोगियों को जरूरी मेडिकल हेल्प देने के साथ साथ लगातार जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। अब वहीं चीन भले ही यह कहे कि उसकी नीतियां विस्तारवादी नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि चीन के कारोबारी जर्मनी की कई कंपनियों के अधिग्रहण की फिराक में हैं। इसी लेकर जर्मनी को अपने देश की बड़ी कंपनियां चीनी के हाथों में जाने से बचाने के लिए नए कानून तक बनाने पड़ गए हैं। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके दफ्तर से जारी बयान के अनुसार गुरुवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन में 40 से अधिक लोग जाने के बाद प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। अब्दुल महदी ने 29 नवंबर को घोषणा की थी कि वह सांसद को अपना इस्तीफा सौंपेंगे ताकि सांसद सरकार विरोधी प्रदर्शन के जवाब में एक नई सरकार को चुन सके।